टायर्ड होने के बाद, बहुत ढूंढने के बाद हम लोग को यहाँ पे एक रेस्टोरेंट मिल गया है। सो अब हम अच्छा लग रहा है ना ये। सो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर देखते हैं जो जो लेक हमें जाना है वो लेक हमें किस साइड मिलता है। सो एक इस रेस्टोरेंट का एक व्यू दिखाती हूँ तरीके से। ये अच्छा लग रहा है काफ़ी। चीवा मिरर में खुद को देख रही है। स्वाति को सबसे ज़्यादा भूख लग रहा है, मेरे को स्वाति को मतलब सबको ही, हम लोग सबको ही लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, पूरा हालत ख़राब हो गया। ये यहाँ पे है, मैं थोड़ा सा इससे गुस्सा हूँ। तो ये अच्छा लगता है जब अपने आप को देखने को मिले ना। अच्छा सब देखते हैं, कुछ खाने पीने के लिए ऑर्डर करते हैं फिर खाते हैं। A few moments later. अब हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, एक एक मैच देखते हैं। क्या तुम बॉलिंग करो ना, आता है मैच खेलना। हाँ, अरे पहले बॉल तो कर। तुम मुझे बॉलिंग करो। अच्छा दे, आराम करना। बाजी। हाँ। हे। फिर से, फिर से, फिर से। ले। तू तो बल्ला ही। पापा को तो एक बार। बढ़िया वाला बॉलिंग देना। फास्ट वाला। है ना? हाँ। बहुत ही बहुत ही बेकार बॉलिंग कर रही है, पता नहीं क्या खेलेगा। मिस हो गई। एक भी बॉल मिस, एक सारी बॉल मिस हो गई। भैया यहाँ पे बॉलिंग करेंगे, स्वाति फील्डिंग करेगी, चीयू वहाँ पे बैडमिंटन लेके है। आप देखते हैं भैया द्वारा, या ओ वाओ व्हाट अ फास्ट बॉल, और ये मेरे लड़के ने मारा यहाँ पे 4 रन, बाउंड्री बॉल बाउंड्री के बाहर गई और 4 रन यहाँ पे अभिषेक के झोली में आते हुए। और ये टूटे वाले बैट से खेल रहा है। चीयू हट जाओ, अब देखो उसको, ये यहाँ पे बॉल का वेट कर रहा है। और काफ़ी अच्छा अच्छा सुहाना मौसम है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब दोबारा भैया बॉलिंग करते हुए, सामने से हट जाइए आप लोग, भैया यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देते हुए। और ये काफी मजेदार बॉल, और ये दोबारा लड़के ने मारा, कोई रन नहीं यहाँ पर, अच्छा खेला लड़का। अब यहाँ पे वापस से भैया के द्वारा तीसरा बॉल फेंका जाएगा, उसके बाद अभिषेक बॉलिंग करेगा और भैया बैटिंग करेंगे। वाह वाह वाह, व्हाट अ शॉट, वाह वाह। अभिषेक यहाँ पर आउट हुआ, वाइड था, ये कह रहे खुद ही वाइड था। अब ये भूल गए कि हमें एक जगह और जाना है, ये लोग यहीं पे सारा मैच खेल रहे हैं। अभी जहाँ जाना है वहाँ जाने में भी 20 मिनट लग ही जाएगा। एक और बॉल यहाँ पे भैया के द्वारा, वाओ वाओ, आउट आउट आउट। अब भैया को बैठ दो और अभिषेक यहाँ पे बॉल करेंगे। अब काफी उम्दा प्रदर्शन यहाँ पे भैया और अभिषेक के द्वारा। ओ चीयू भी यहाँ पे कमाल कर रही, चीयू पापा को बॉल दे दो। मैंने कितना गंदा बॉल है। या देखिएगा, आ जाओ तुम चेयर करो। और ओ वाओ वाओ वाओ, भैया ने भी अच्छा यहाँ पर खेला। अभिषेक की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं लग रही है मुझे, पता नहीं है हर संडे को क्या खेलने जाता है। अभी इनके गुरु से राजेश भैया से बोल के इसका मैच बंद करवाना पड़ेगा, क्या फायदा। ये देखो वाओ वाओ प्रवीण भैया, वाओ 4 रन भैया ने बनाया। स्वाति काफी खुश है यहाँ पर, भैया का अच्छा परफॉर्मेंस देखकर स्वाति देखो कितना खुश हो रही है। चीवट, वाओ 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 वाओ, भैया काफी अच्छा कर रहे हैं। और ये चीव साथ साथ में मैं आपको बैकग्राउंड दिखाती हूँ जहाँ पे हमारा मैच हो रहा है। हमारा मैच हो रहा है अलवर में और एक रेस्टोरेंट के अंदर हो रहा है। काफ़ी अनप्रोफेशनल वे में ये लोग यहाँ पर खेल रहे हैं। अब ये आखिरी आखिरी बॉल इस मैच का, ओ वाव छक्का, वाव 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 वाव। तो इसके साथ प्रवीण भैया की जीत हुई। अब हम स्वाति से रिक्वेस्ट करेंगे भैया को एक ट्रॉफी दे, स्वाति पानी का बोतल भैया को थमाया जाए। भैया अपना अवार्ड लीजिए, तो मैन ऑफ द मैच यहाँ पे भैया को मिलता है। कैसा लग रहा है आपको, आपको ट्रॉफी है ये, कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू वेरी मच। आपको आपके माय वाइफ और माय सेल्फ, अच्छा यू आर फीलिंग, बोलो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय वाइफ, हाफ लाइफ, हाफ हाफ पार्टनर, हाफ पार्टनर, काफी अच्छा इंग्लिश। स्पेशल मोमेंट ऑफ विनिंग ऑफ मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज का मैच, मैच है सीरीज नहीं। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। हम आ गए सीरीज का लेक, ये है सर इसका लेक। यहाँ पे हमें पर पर्सन 100 रुपीज़ चार्ज लिया यहाँ से अंदर जाने के लिए। और अब इसके अंदर कोई पैलेस भी है जिसके अंदर हम लोग जाएंगे, तो पहले ये लेक देखते हैं। यहाँ पे बोटिंग का भी है,
बोटिंग के लिए यहाँ पे 800 रुपीस चार्जेस है बोट का, बोट बुक करने के लिए। अब सारे लोग ना वहाँ से ऐसे घुस के वहाँ गए हैं क्योंकि वो बोट वाला वहाँ पर है और हम अलग डायरेक्शन में आके खड़े हो गए हैं। सो पैलेस के नाम पे हमें बहुत अच्छा इन्होंने हमारा काटा है। यहाँ पे 100 रुपीस पर पर्सन का चार्ज था इस पैलेस को देखने के लिए, और इस पैलेस को देखने के लिए हमें उस 100 रुपीस के टोकन में मिला था एक पानी का बोतल, एक कोल्ड ड्रिंक या तो कॉफ़ी, वो ऑप्शनल है, आप या तो कोल्ड ड्रिंक लीजिए या तो कॉफ़ी लीजिए। और ये एक यहाँ का व्यू है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये एक बर्ड व्यू देखते हैं यहाँ पे, और नीचे लेकिन यहाँ ऊपर भी सारे लोग खड़े हैं, ऊपर तक जा रहे हैं और यहाँ सब लोग बैठे। और अब यहाँ से नीचे जाएंगे, तो ये नीचे जाएंगे, अगर आपको बोटिंग करना है तो आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ से आप बोट लोगे और उस बोट का प्राइस आपको 800 पड़ेगा। और मतलब पीस लग रहा है ना, इतना ठंडा, मतलब एक अच्छा सा लग रहा है, वहाँ पे इतना गर्मी से ना, अब यहाँ पे ऐसे बैठना है अच्छा लग रहा है। ये सारे वहाँ पर है और साथी को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी एंजॉय कर रही है। और ये चीयू को बोटिंग करना है तो वो बार बजित कर रही है बोट के लिए कि बोटिंग करना है तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा पिक लेते हैं, आगे देखते हैं अगर हम वहाँ पे अगर जाएंगे, सपोज इनके अगर हमारा बोटिंग का कुछ प्लान बनता है, अगर हम जाते हैं तो फिर वहाँ का वीडियो बनाते हैं। अब हम लोग बोटिंग वाले एरिया पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमने पे किए हैं पूरे 800 रुपए एक बोट के लिए। हम शेयरिंग में कर रहे थे बट ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा था, उसको ये था कि भाई ये अकेले 800 दे दें, फिर वो अकेले मतलब आप एक हो दो हो दस हो आपको 800 करने पड़ेंगे। सो अब आगे तो चीज़ को बोटिंग करने का ज़्यादा मन था, पति को भी मन था, तो हम लोग अब यहाँ पर आ चुके हैं और अब देखते हैं ये कैसा एक्सपीरियंस रहेगा हमारा। बैठ चुके हैं और ये देखो ये लोग ड्राइवर कुछ नहीं कर रहे, ये बस फीलिंग ले रहे हैं और कुछ नहीं है। वहाँ पीछे सारा काम वो भैया पीछे कर रहे हैं, ये बस क्रेडिट ले रहे हैं लौंडे। तो ये है फाइनली हम लोग बैठ गए इस पे और अच्छा लग रहा है। तो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अब थोड़ा उधर से सारा जियो भी चला रही है, कैसा लग रहा है जियो? अच्छा लग रहा है, आप बहुत बढ़िया चला रहे हो। पकड़ी हूँ मैं भैया, ये वहाँ पे सनसेट हो रहे हैं, ये वहाँ पे सनसेट का व्यू देखो, सनसेट हो रहा है वहाँ पे। सत्ताईस फिट गहरा है, ये इतना गहरा नहीं है, 27 फिट गहरा है। और फर्जी का कह रहे हैं कि इसके अंदर क्रोकोडाइल है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। तो एक पीछे का व्यू, वाओ, साथी पीछे देख बेटा, वाओ बहुत अच्छा लग रहा है यार, मतलब इतना ऑसम फीलिंग है। मतलब ये ठीक है यार, वो 800 रुपये तो ज़्यादा ही ले लिए बट वो अच्छा लग रहा है। 800 तो ज़्यादा है बट ठीक है, पैसा वसूल है। 400 लेते तो ज़्यादा, मतलब 100 पर पर्सन लेते तो ज़्यादा सही रहता बट इन्होंने 200 करके लिया है, जो भी हो अच्छा है। व्हाट अ व्यू, वो सनसेट वाला व्यू काफी अच्छा लग रहा है वहाँ पे। थोड़ा पानी आ रहा है, पानी आ जाता है, पानी आ जाता है। कहाँ से आता है पानी? क्या बोल रहे हो? पानी कहाँ से आता है? बरसातों के पानी है, पहाड़ों का पानी है। अच्छा, बरसातों के पानी है, ये खत्म नहीं होता भैया, सूखता नहीं कभी। वहाँ पे छोटे गाँव भी है, मतलब गाँव नहीं, वो लोग रहते होंगे वहाँ पे, ये गाँव है पूरा। अच्छा, वंडरफुल फीलिंग, एकदम गॉर्जियस है यार, मस्त। वो एक अरुणाचल वाला फीलिंग आ रहा है ना वहाँ पे भी, मेरे उधर मेरे अरुणाचल में भी ऐसे ही है, पानी भी इतना टर्किश है। गोवा वाली फीलिंग आ रही है। ओ प्लीज भैया को यहाँ पे गोवा वाला फीलिंग आ रहा है, वो गॉड प्लीज, वो पहले से जहाँ से हम आए हैं, हाँ वो पहले से जहाँ से हम आए हैं। जी वो पानी टच करने का कोशिश कर रही है बट वो नहीं कर पा रही है। लो मेरा बच्चा पानी को प्रणाम करके पी रहा है, इतना आध्यात्मिक बच्चा है मेरा, दिल खुश हो जाता है मेरा। तो ये वो वाला व्यू पॉइंट है जहाँ पे हम पहले आए थे और यहाँ से ना वो चिड़िया को खाना वगैरह दे रहे थे। अब एक सनसेट हो गया तो ये अच्छा लग रहा है। तो अब मैं कहूँगी कि ये एक बर्ड विजिट है और आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। चीयू बहुत बदमाशी कर रही है, फुल टू एंजॉयिंग चीयू। फाइनली हम लोग अब पहुँच गए और हमें वहाँ से नहीं घुमा के लेकर आ रहे, हम जल्दी पहुँच गए और ये सिटी पहले से, अब हम यहाँ ऊपर जाएंगे तो जो हमें 400 रुपया जो पहले हमसे काटा है, अब हम उसका चाय कॉफी वहाँ पियेंगे, पानी का बोतल लेंगे। तो हो गया, इट वॉज सच अ ग्रेट 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 ट्रिप, आज का यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पानी वगैरह पी रहे और सारे यहाँ पे फोटो शूट करा रहे, बस अब हो गया ये। और इवनिंग के टाइम में आना काफ़ी अच्छा रहेगा, तो आप जब भी प्लान करना तो दोपहर के बाद ही करना ताकि इवनिंग में आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सको, मच्छर बहुत ज़्यादा है तो ऑटोमस लगा के आना। तो आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और इस तरह के और भी मज़ेदार ब्लॉग्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में भी नहीं आ रही क्योंकि बहुत बच्चे रहे यहाँ पे, बहुत बच्चे रहे और बहुत ज्यादा काट रहे। चलो एक फाइनल बाय, तो जी से बाय बाय और कॉलिंग पियो आप। सो गाइस प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय, टेक केयर, एंजॉय, अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों के बीच रहिए, अपनों के साथ रहिए और कॉलिंग पी लो और इन्हीं सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। बाय, चलो बाय कर लो एक बार आप लोग भी, से बाय। और गरीब लोग कॉलिंग पी लो।